लाहौर में इंसाफ स्कूलों में जाली भर्तियों और इनरोलमेंट का इंकशाफ। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का नोटिस। 28 दिसंबर को इंसाफ स्कूलों का रिकॉर्ड चेक करने के लिए ऑडिट कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मौजूद 108 इंसाफ स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है, जाली भर्तियां करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ स्कूलों में दाखिलों का भी मुकम्मल रिकॉर्ड चेक होगा। स्कूलों में वक्त पर ना आने वाले असातिज़ा का भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। परवेज अख्तर खान का कहना है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग के बाद इंसाफ स्कूलों की रिपोर्ट जारी की जाएगी। मौजूद 108 इंसाफ स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है, जाली भर्तियां करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ स्कूलों में दाखिलों का भी मुकम्मल रिकॉर्ड चेक होगा। स्कूलों में वक्त पर ना आने वाले असातिज़ा का भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। परवेज अख्तर खान का कहना है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग के बाद इंसाफ स्कूलों की रिपोर्ट जारी की जाएगी। मौजूद 108 इंसाफ स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है, जाली भर्तियां करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ स्कूलों में दाखिलों का भी मुकम्मल रिकॉर्ड चेक होगा। स्कूलों में वक्त पर ना आने वाले असातिज़ा का भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। परवेज अख्तर खान का कहना है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग के बाद इंसाफ स्कूलों की रिपोर्ट जारी की जाएगी। मौजूद 108 इंसाफ स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है, जाली भर्तियां करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ स्कूलों में दाखिलों का भी मुकम्मल रिकॉर्ड चेक होगा। स्कूलों में वक्त पर ना आने वाले असातिज़ा का भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। परवेज अख्तर खान का कहना है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग के बाद इंसाफ स्कूलों की रिपोर्ट जारी की जाएगी।